नमस्कार दोस्तों, ये है मोशन ग्राफिक्स गुरुकुल और मैं हूं मौलिक शाह। और आज हम क्रिएट करने वाले हैं ये। तो चलते हैं हम अभी एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर और क्रिएट करते हैं ये अमेजिंग वाला लोगो रिवील और टेक्स्ट रिवील इफेक्ट। इस इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए गाइस, जैसे अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, हमने बहुत सी ब्यूटीफुल सा एक मैजिक ट्रेल क्रिएट किया हुआ है। और यहाँ पे आप देखो कि बहुत ही बेटर तरीके से आपको डिटेल्स नजर में आ रही है, साइड में आपको ग्लो नजर में आ रहा है, टू डिफरेंट शेड्स नजर में आ रहे हैं एंड बहुत ही अच्छा सा वेरिएशन नजर में आ रहा है ट्रेल के अंदर, जो हम मूवीज वगैरह में देखते हैं। आपने अगर देखा हो डॉक्टर स्ट्रेंज का इफेक्ट देखा हो, या फिर आपने अगर हैरी पॉटर के अंदर भी मेमोरी स्टोनिंग इफेक्ट भी देखा, तो वहां पे भी ये सारे ट्रेल के इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। और ये इफेक्ट जनरेट करने के लिए हम कोई भी एक्सटर्नल प्लगइन यूज नहीं करने वाले हैं और इसको जनरेट करने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका यूज करने वाले हैं। बट हाँ, मेन चीज जो है आपको स्टार्ट टू एंड स्टेप बाय स्टेप इस चीज को फॉलो करना होगा। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हो तो मल्टीपल काइंड ऑफ इफेक्ट्स जनरेट करने में ये तरीका आपको बहुत ही हेल्प करेगा, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है गाइस। और इतना समझ लीजिए, आज की डेट में AI इंडस्ट्री में आ रहा है, ठीक है ना, और बहुत सारे आर्टिस्ट चिल्ला रहे हैं नो टू AI, बट हम जैसे आर्टिस्ट जो बेस से रिलेट रखते हैं अपने आप को, जो बेस से अपने आप को जुड़ा हुआ रखे हुए हैं और अपने आर्ट के ऊपर जिनको भरोसा है, उनको कोई भी डर नहीं है। हम लोग आज भी अच्छा खासा फ्रीलांस भी कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सा काम भी है और हम आज अभी अपना नॉलेज अच्छे से आपके साथ शेयर भी कर पा रहे हैं। तो थिंग इज दैट अगर आपको बेटर आर्टिस्ट बनना है और लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करना इंडस्ट्री के अंदर, तो आपको बेसिक्स का नॉलेज जरूरी है, रादर देन आप एक्सटर्नल प्लगइन के ऊपर डिपेंडेंट रहो। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस लेयर को हाइड कर देता हूँ और इसको लॉक कर देता हूँ। मैं अपना टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करता हूँ और एक यहाँ पे मेरा टेक्स्ट टाइप अल्फाबेट टाइप करता हूँ। अब हाँ, यहाँ पे आप अपना लोगो भी यूज कर सकते हो, PNG लोगो लेके आओ, उसको स्ट्रोक से बना लो या जो भी आपका तरीका हो, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे एक बार इस ट्यूटोरियल को समझ लोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया आ जाएगा आप क्या क्या यहाँ पे यूज कर सकते हो और कितना बेटर। इवन आप कैरेक्टर भी यूज कर सकते हो, कैरेक्टर के सराउंडिंग आपको ट्रेल्स क्रिएट करना है तो भी आप बहुत ही बेटर तरीके से कर पाओगे गाइस, ठीक है। तो ये मैंने फॉन्ट यहाँ पे यूज कर लिया। अब इस फॉन्ट में मैं जो यूज करने वाला हूं, दैट इज UNIST 777 ब्लैक फॉन्ट है ये। आप अपने हिसाब से अपनी चॉइस का फॉन्ट यूज कर सकते हो। अभी थोड़ा मैं इसका साइज बड़ा कर लेता हूँ गाइस मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो हाँ भाई, इतना मैं थोड़ा रखता हूँ और सबसे पहले उसको क्या कर लेते हैं, सेंटर में अलाइन कर लिया है मैंने। ओके, अब उसके बाद मुझे क्या चाहिए, स्ट्रोक वाला शेप चाहिए, मुझे ये फील वाला शेप नहीं चाहिए। तो नॉर्मली अब हम क्या करेंगे भाई, पेन टूल लेके, इफ यू आर बिगिनर, अगर आपको अवेयर नहीं है तो आप क्या सोचते हो, पेन टूल लेके सीधा इसको जनरेट करते हैं, ठीक है ना। बट जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें एक तो स्ट्रोक को एनिमेट भी करना है जो रिवील करने के लिए, ये स्ट्रोक पहले बिल्कुल भी गायब है फिर रिवील हो रहा है, अदरवाइज हम डायरेक्टली टेक्स्ट का स्ट्रोक प्रॉपर्टी यूज कर सकते थे, बट वहां पे हम उसको रिवील करने के लिए यूज नहीं कर पाते। तो यहाँ पे एक बेटर ऑप्शन आफ्टर इफेक्ट ने हमको दिया हुआ है कि पेन टूल वगैरह यूज नहीं करना है। आपको क्या करना है, सीधा अपना टेक्स्ट जो लेयर है उसको सिलेक्ट करना है, उसके ऊपर जाके राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है क्रिएट, और यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट शेप फ्रॉम टेक्स्ट। जैसे आप क्रिएट करते हो, देखो यहाँ पे एक वी आउटलाइन करके ऑटोमेटिकली एक नया लेयर जनरेट हो चुका है और जो हमारा टेक्स्ट का मेन लेयर था वो हाइड हो चुका है, क्योंकि और अभी हमें इसकी जरूरत भी नहीं है। तो हम क्या कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। बट आप बोलोगे टेक्स्ट तो अभी एज इट इज दिख रहा है, नहीं बिल्कुल भी वैसा है। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे पाथ जनरेट हो चुका है। अगर आप इसको ओपन करोगे वी आउटलाइन वाले लेयर को, तो यहाँ पे देखो वी का आपको स्पेसिफिकली पाथ मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब इस पाथ को क्या करना है, मुझे फील नहीं चाहिए, मुझे स्ट्रोक अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं यहां से फील और स्ट्रोक की प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करके उस लेयर में से डिलीट कर देता हूं। अब वही लेयर में जो एड का प्रॉपर्टी है वहां पे जाके मैं इसके ऊपर स्ट्रोक अप्लाई करता हूं और स्ट्रोक का वैल्यू मैं अभी के लिए दे देता हूं 3। मैं ज्यादा वैल्यू नहीं देना चाहता, 3 भी मुझे थोड़ा ज्यादा लग रहा है, तो हम कर देते हैं कम इसका स्ट्रोक का वैल्यू। यहाँ पे वापस मेरे पास है मैं यहाँ पे कर देता हूं उसको 1 रख के चलते हैं गाइस। यस, 1 से ज्यादा 2 बेटर रहेगा, सो 2 इज गुड। तो 2 का वैल्यू रख के हम लोग चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया। अभी जैसे हमने देखा था वहां पे इमेज के अंदर कि वहां पे एक अच्छा खासा वेवीनेस था, इतना स्ट्रेट नहीं था, तो हमें वो वेवीनेस जनरेट करना है। तो उसके लिए लेयर को सिलेक्ट कर लो, अपने इफेक्ट प्रीसेट वाले पैनल में चले जाओ और यहाँ पे आपको मिलेगा टर्बुलेंट डिस्प्लेस।
तो इसको आप क्या कर दोगे, यहाँ पे लाके हमारे आउटलाइन वाले लेयर के ऊपर अप्लाई कर दो। अब जैसे ही अप्लाई कर दिया तो हमें वीवीनेस तो मिला बट बहुत ही ज्यादा हाई वैल्यू है और वो हमें कम करना है, प्लस एक बहुत ही स्मूथ लाइन है, हमें क्या चाहिए थोड़ा सा वीवी काइंड ऑफ शार्प वीवी काइंड ऑफ थिंग चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे पहले तो वेव का साइज, टर्बुलेंट डिस्प्लेसमेंट की प्रॉपर्टी के अंदर जो वेव का साइज है वो हमें कम करना है। तो जैसे ही आप कम करते जाओगे तो देखो वेव के अंदर आपको अच्छा खासा वेरिएशन मिलना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे मैं अभी थोड़ा कम वेरिएशन रखना हूं, मैंने 6 के आसपास दिया है, प्लस आपको अगर उसका अमाउंट बढ़ाना है तो आप इसको यूज कर सकते हो, तो मैं अमाउंट अभी इतने के आसपास रख रहा हूँ। तो देखो एक मुझे बैटर से एक वैल्यू मिल गया है, बट अभी क्या है ये वेव्स मोशन में नहीं है, मुझे ये वेव्स कंटिन्यूसली मोशन में चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो इवोल्यूशन का प्रॉपर्टी वहां पे ऑल्ट करके क्लिक कर दीजिए तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जहां पे हम लोगों को एक एक्सप्रेशन सिंपल सा टाइप करना है। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन हमारा सिंपल है टाइम इंटू 300, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर ये 300 बार क्या होगा इवोल्यूएट होगा तो हमें वीवीनेस जनरेट होती हुई दिखेगी। तो अब अगर आप देखो इसको मैं कर्सर को घुमा रहा हूं तो यहाँ पे अंदर आपको वीवीनेस जनरेट होती हुई दिख रही है। तो हाँ भाई हमारा पहला काम हो चुका है, हमारा बेस एक रेडी हो गया है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी की लेयर को डुप्लीकेट करता हूं। इस लेयर को डुप्लीकेट करने के बाद मैंने जैसे यहाँ पे दिखाया इमेज के अंदर आजू बाजू में एक आपको हल्का सा जैसे फॉग जैसा दिख रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल वैसा ही हमें यहाँ पे भी जनरेट करना है। तो उसके लिए क्या करना है, इसको सिलेक्ट करने के बाद पहली चीज हम यहाँ पे थोड़ी मैं वैल्यू बढ़ा देता हूं ऑलमोस्ट लाइक 8, थोड़ा और ज्यादा कर लेते हैं इसको हम लोग, ओके। और अमाउंट थोड़ा कम कर रहा हूं मैं यहाँ पे, अमाउंट थोड़ा बढ़ा देते हैं यहाँ पे इसका, और ये चीज मैं थोड़ा कम कर रहा हूं, लेट्स ओके इट्स गुड। तो ये मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। अब क्या करना है, इसके ऊपर एक इफेक्ट अप्लाई करेंगे हम, वेरिएशन डिटेल्स जनरेट करती है गाइस। जहां जितना भी आप ऐसे मैजिक ट्रेल वाले ऑप्शंस के अंदर जितना डिटेलिंग करोगे उतना ही आपको आउटपुट बेटर मिलेगा। तो यहाँ पे मैं अप्लाई करने वाला हूं एक सिंपल चोकर। तो सिंपल चोकर मुझे किस लिए चाहिए, मुझे फॉग जनरेट करना है तो पहले तो मुझे इसका थिकनेस बढ़ाना है। तो दो तरीके हैं कि भाई मैं यहाँ पे स्ट्रोक अप्लाई कर सकता हूँ, बस स्ट्रोक की विड्थ बढ़ाऊंगा तो इवन मतलब एग्जैक्ट सेम जैसा वैल्यू हर जगह पे बढ़ेगा, बट जब आप इसको चोकर को माइनस में अप्लाई करोगे तो थिकनेस जहां जहां पे कव होगी उस हिसाब से वेरियस थिकनेस मिलेगी आपको। देख रहे हो यहाँ पे प्रॉपर थिकनेस आ रही है, यहाँ पे आ रही है, यहाँ पर कम है, तो ये वेरिएशन आपको मिलेगा चोकर के थ्रू। तो हाँ भाई ये वैल्यू मुझे चाहिए था, तो ये बेटर वैल्यू आपको यहाँ पे जनरेट होते हुए दिख रहा है। तो हाँ ये हो गया। अब उसके बाद मुझे क्या चाहिए, फॉग जैसा इफेक्ट चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, ब्लर यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, फास्ट बॉक्स ब्लर मैं यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप टाइप कीजिए अपना फास्ट बॉक्स ब्लर, सिलेक्ट कीजिए और इसको भी क्या कर देंगे हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया। अब इसका भी वैल्यू आपको बढ़ा देना है एज पर योर रिक्वायरमेंट, जरूरत से ज्यादा मत रखना, जितना आपको चाहिए उतना। ये सारी चीजें आपके डिपेंडेंसी के ऊपर है। प्लस मैं इसका ब्लेंडिंग मोड भी चेंज कर रहा हूँ एड के अंदर ताकि मुझे प्रॉपर और बेटर इफेक्ट दे, ठीक है ना। और इसका ओपेसिटी भी मैं थोड़ा कम कर दूंगा ऑलमोस्ट समथिंग लाइक ओके दिस इज गुड, 53 इज गुड फॉर मी। तो ये अच्छा खासा मेरे को एक लुक दे रहा है, आपको दिख रहा होगा साइड में फॉगिनेस हमारे लिए जनरेट हो चुका है। अब उसके अलावा भी मुझे क्या चाहिए, अभी ये इसके अंदर भी थोड़ा वेरिएशन चाहिए बराबर ट्रेल के अंदर। जैसे मुझे यहाँ पे एक अच्छा खासा वेरिएशन देखने को मिला दो ट्रेल जैसा, वैसा ही वेरिएशन मुझे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसी लेयर को वापस एक बार डुप्लीकेट कर देते हैं और उसके अंदर थोड़ा और वेरिएशन लेके आते हैं कि सपोज मैं इसके अंदर चेंजेस कर रहा हूं, इसको सोलो कर देते ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा वैल्यू इसका बढ़ाते हैं। तो देखो एक बेटर वैल्यू मेरे को जनरेट होते हुए दिख रहा है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है कि आप चाहे तो बढ़ा दो इसके अंदर। तो मैंने यहाँ पे 10 कर दिया है। अब सारे लेयर को अनसोलो करते तो एक देखो बेटर सा इफेक्ट मेरे पास जनरेट होते हुए आ गया, बहुत ही ब्यूटीफुल और सुंदर सा इफेक्ट मेरे पास यहाँ पे जनरेट हो रहा है। अब चाहे तो इसका ऑपेसिटी आप क्या कर सकते हो, हल्का सा बढ़ाना चाहो तो आप इंक्रीज भी कर सकते हो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो। ये एक कंस्ट्रक्टिव मेथड है, तो कभी भी वैल्यूज को चेंज करते हुए अपना डिजायर आउटपुट ला सकते हो गाइस। तो ये बहुत ही बेटर ऑप्शन है हमारे लिए। दूसरा इसका भी ब्लेंडिंग मोड मुझे चेंज करना है तो मैं इसको भी एड में चेंज कर देता हूं। तो भाई मेरा यहां तक का काम हो गया है। अब क्या करना है, इन तीनों चीजों को सिलेक्ट करते हैं और इन तीनों लेयर को प्रीकॉम करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैंने प्रीकॉम, अब लेयर को नाम हमेशा देना, प्रीकंपोजिशन को भी नाम हमेशा देना। तो मैं यहाँ पे मेरा मेन इफेक्ट अप्लाई कर देता हूँ कंपोजिशन को नाम, ठीक है। तो ये मेरा जनरेट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, एक शेड जनरेट करना है।
यहाँ पे आप अपने हिसाब से मैजिक पावर के अंदर जो भी शेड्स यूज होते हैं आप यूज कर सकते हो। ठीक है, हमने बहुत सारे सुपर पावर मूवी देखे, अलग अलग शेड्स देखे, इवन हमने एवेंजर्स के अंदर कुछ 6 स्टोन्स भी देखे थे, एवरी स्टोन हैज अ डिफरेंट कलर। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं कि नॉर्मल से मैं ब्लू शेड यूज करने जा रहा हूँ तो उससे सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, इस लेयर को मैं एक बार डुप्लीकेट कर लेता हूँ। अब नीचे वाले लेयर को मैं सोलो करता हूँ और उसके ऊपर में एक इफेक्ट अप्लाई करने जा रहा हूँ जो है हमारा काउ इफेक्ट। तो इस काउ को मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर नीचे वाले लेयर के ऊपर अप्लाई करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे ब्लू स्टोन जनरेट करना है तो मैं क्या करूँ, सबसे पहले लेयर को सिलेक्ट कर रहा हूँ चैनल को और यहाँ से पूरा इसको नीचे की तरफ ड्रैग करके लेके आता हूँ। तो अभी आपको ग्रीन और ब्लू का एक मिक्स साइन शेड मेरे पास आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ से ग्रीन को भी थोड़ा बहुत अवॉइड कर दूंगा। तो देखो धीरे धीरे एक अच्छा खासा ब्लू शेड मेरे पास जनरेट होते हुए आ चुका है। तो यस, ये हमें बहुत ही बेटर इफेक्ट दे रहा है। अब थोड़ा इसके अंदर मुझे ग्लो भी जनरेट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ग्लो इफेक्ट डालते हैं इसके अंदर। लेट सिलेक्ट द ग्लो और यहाँ पे ग्लो को हम अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर गाइस। तो भाई मैंने ग्लो भी यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे आप अपना वेरिएशन ला सकते हो। मेरे को ग्लो थोड़ा, देखो जैसे मैंने थ्रेशोल्ड कम किया तो एक डबल टोन मेरे को मिल रहा है, ब्लू मिल रहा है मेरे को सॉफ्टनेस के अंदर और जहां शार्प एजेस है वहां पे साइन मेरे को दिखते हुए आ रहा है। अब आप चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, रेडियस कम या ज्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से। तो मैं रेडियस एज इट इज रखता हूँ जितना था उतना, इंटेंसिटी थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ यहाँ पे तो ये एक बेटर लुक आ गया है मेरे पास। बट मुझे और भी, हम नॉर्मली देखते हैं ना जब आसमान में भी लाइटनिंग वगैरह होता है तो एक हल्का सा सेंटर के अंदर कोर के अंदर एक व्हाइट शेड भी देखने को मिलता है, तो वो व्हाइट शेड मुझे कहां से मिलेगा, मेरे ऊपर वाले लेयर के अंदर। प्लस इसका भी मुझे सबसे पहले तो ब्लेंडिंग मोड चेंज करना पड़ेगा एड के अंदर। तो आप देखो एक व्हाइट वाला शेड जनरेट हो चुका है बट इसके अंदर थोड़ा सा वेरिएशन लेके आते हैं हम। इसको क्या करेंगे, हल्का सा हम ग्लोइनेस इसको भी देंगे तो सेम ग्लो वाला इफेक्ट मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ गाइस। और क्या करेंगे, देखो जैसे मैंने अप्लाई किया अंदर से बेटर तरीके से आ रहा है तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड थोड़ा बढ़ाते हैं बराबर है और इसका रेडियस थोड़ा हम कम करते हैं ऑलमोस्ट लाइक 1 और 3 के आसपास। प्लस इसका इंटेंसिटी भी थोड़ा कम करते हैं हम यहाँ पे ऑलमोस्ट समथिंग 0.5 के आसपास। तो भाई यहां तक ये हमारा काम हो चुका है। अब जो मेन इफेक्ट था रिवील करने का, तो हमारा ट्रेल जनरेट हो गया बराबर, मोशन भी है इसके अंदर, बट जो रिवील वाला इफेक्ट था वो हमारा जनरेट करना क्या है, बाकी है। ये स्टार्टिंग में स्क्रीन में नहीं दिखना चाहिए, ये रिवील होते हुए दिखना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए बहुत सिंपल सी चीज है, हम क्या करते हैं, चलते हैं हमारे कंपोजिशंस के अंदर और ये जो हमारे 3 मेन लेयर है उसके अंदर हमने स्ट्रोक को अप्लाई किया है। तो अभी स्ट्रोक को एनिमेट करना है और उसको एनिमेट करने के लिए बेस प्रॉपर्टी हमारे जो पास है वो है ट्रिम पाथ। मैं क्या करूंगा, इसको ही सबसे पहले एनिमेट करता हूँ, इसको सोलो कर देते हैं। यहाँ पे एड में जाके हम सीधा अप्लाई कर देते हैं ट्रिम पाथ इसके ऊपर। ट्रिम पाथ अप्लाई करने के बाद मेरे को यहाँ पे ट्रिम पाथ की जो स्टार्ट और एंड प्रॉपर्टी उसको एनिमेट करना है। तो मेरा जो स्टार्ट है उसको सबसे पहले मैं 50 में कन्वर्ट करता हूँ और एंड को भी मैं 50 की वैल्यू यहाँ पे दे देता हूँ। ओके, यहाँ पे 5.0 हो गया है, ओके लेट्स मेक इट 50। ठीक है, तो ये 50-50 हो गया। अब मैं यहाँ पे 0 नंबर की के ऊपर दोनों वैल्यूज को की अप्लाई कर देता हूँ, एनिमेशन की अप्लाई कर देता हूँ और चलता हूं मैं ऑलमोस्ट काइंड ऑफ 3 सेकंड के आसपास। आप अपने हिसाब से अपना वैल्यू यूज कर लेना, मैं खाली आपको समझाने के लिए अभी 3 सेकंड का ही एनिमेट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको जितना टाइम चाहिए अपने लोगों को रिवील करने के लिए आपके ड्यूरेशन के हिसाब से आप की देना गाइस। तो मैंने यहाँ पे भी उसको की दे दी है ऑन द 3rd सेकंड और यहाँ पे वैल्यू हम वापस क्या कर देंगे, 0। दोनों के ऊपर वैल्यू हमारी हो जाएगी 0 स्टार्ट और एंड की प्रॉपर्टी के ऊपर ट्रिम पाथ के। बट अब आप जब इसको रिवील करोगे ना गाइस तो प्रॉब्लम क्या होगा, जैसे ओके देखो क्या होता है, ओके गलती क्या हुई, यहाँ पे 0 नहीं 100 होता है हमारी एंड की प्रॉपर्टी के ऊपर, तो 100 हो गया। अब अगर आप इसको एनिमेट करोगे तो देखो अनइवन है, ये साथ में नहीं जा रहा है। तो अभी हमें उसके लिए क्या करना है, जो इसका ऑफसेट प्रॉपर्टी है उसको क्या करेंगे, हम यहाँ से प्लेस करेंगे। तो अब आप देखोगे ऑलमोस्ट सेम हो गया, तो यहाँ पे हमें जो चाहिए था वो मिल गया। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो हमने कीज अप्लाई की वो लिनियर कीज को हम इजी इस की में कन्वर्ट करते हैं बाय प्रेसिंग F9। चलते हैं ग्राफ एडिटर में और इसके ग्राफ को एक हल्का सा एडिट करते हैं हम गाइज। स्टार्टिंग में लोगो रिवील होने के एकदम जल्द से डिलीट होगा और स्लो में वो लोगो पूरा कंप्लीट होगा। तो भाई हमारा ग्राफ भी यहाँ पे एडिट हो चुका है। अब क्या करना है, ये ट्रिम पाथ की प्रॉपर्टी इन दोनों लेयर के ऊपर भी हमें अप्लाई करनी है। तो यहां से मैं क्या करूंगा, ट्रिम पाथ को कॉपी कर लिया हूं, ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे इन दोनों लेयर के ऊपर स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 अप्लाई कर देंगे। अब तीनों लेयर को सिलेक्ट कर लो और यू दबा दो, यहाँ पे सोलो लेयर में यहां से हटा देता हूँ, प्रेस यू तो आपको दिख जाएगा। हाँ पे देखो गलती क्या हुई, कर्सर था वहीं से की लगी, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो कर्सर कहाँ पे होना चाहिए था पहले स्टार्टिंग में, बट ठीक है हम यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। शिफ्ट दबा के यहाँ पे आ गए तो सारे के सारे यहाँ पे
प्रिय सूचक है, और मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट अप्लाई कर देता हूँ एंड। दूसरी एक चीज आप चाहो तो एनिमेट कर सकते हो कि ये रिवील होने के बाद भी इसके अंदर ऐसे मोशन होना चाहिए, तो जो ट्रिम पाथ की ऑफसेट की प्रॉपर्टी थी इस गाइस, आप उसको भी एनिमेट कर सकते हो। मैं अभी उसको एनिमेट नहीं कर रहा हूँ, हाँ जो मैंने वीडियो आपको स्टार्टिंग में दिखाया मैंने वहां पे ऑफसेट की प्रॉपर्टी को कीज देके रखी है, बट वो कीज कहाँ से स्टार्ट होगी, जैसे ये लोगो रिवील होता है तो ऑलमोस्ट मैं पहला की यहाँ पे अप्लाई करूंगा ऑफसेट स्टार्ट होने का, फिर उसका एंड जहां मेरा वीडियो का ड्यूरेशन एंड हो रहा है, लोगो का एनिमेशन एंड करना है, वहां पे उसका एंड की लगा होगा ऑफसेट का, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हो गया, अब चले आते बाहर हम यहाँ पे। सो एक बार अभी 3 सेकंड का हमारा एनिमेशन होता है, यहाँ पे मैं तो मेरे लेयर को ट्रिम कर लेता हूँ, थोड़ा हल्का सा आगे लेके जाते हैं, और अब मैं इसको एक बार प्ले कर लेते हैं गाइस। जैसे अभी गाइस आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हमारा लोगो रिवील हो रहा है या फिर हमारा टेक्स्ट रिवील हो रहा है विथ अ मैजिक ट्रेल इफेक्ट। सो आई होप आपको इस ट्यूटोरियल से इतना तो समझ में आया होगा कि एवरी टाइम जैसे आप प्लगइन्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हो, जो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, प्लस यहाँ पे हमने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आफ्टर इफेक्ट्स के इनबिल्ट प्रीसेट भी यूज नहीं किए हैं। जहां तक मैं मानता हूं, अगर आप बिगिनर्स हो या इंटरमीडिएट भी हो, जितनी इफेक्ट्स या जितने प्रीसेट्स हमने यूज किए उसमें से आधे बिल्कुल आप जानते होंगे, बट उसको वेरियस वे पे कैसे यूज करना वो हमारी समझ में नहीं होता है। तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए आई होप बहुत ही यूजफुल हुआ होगा। तो अब मिलते हैं गाइज हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर, तब तक खुश रहो, आगे बढ़ते रहो, हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय गाइज।